छेड़छाड़ मामले में दर्जी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार में टेलरिंग का काम करने वाले दर्जी ने मौका पाकर कपड़ा सिलाने आई नाबालिग लड़की के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ किया बल्कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले का पता चलने पर आक्रोशित लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दर्जी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना लाया गया। मामले में पीड़ित लड़की के आवेदन पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोमवार की देर शाम एक नाबालिग लड़की के साथ एक दर्जी के द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दर्जी नरियार निवासी मीर अब्दुल कयाम के पुत्र एजाज अहमद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने कहा पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ है शिकायत। मामले में पीड़ित लड़की ने बताया कि वह 11वीं में पढ़ाई करती है। वह सोमवार की शाम 7 बजे अपना कपड़ा सिलाने बुटीक दुकान गई थी। इसी दौरान संचालक नरियार वार्ड 9 निवासी एजाज अहमद ने नाप लेने के लिए हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद मुझे सोफा पर पटक दिया और जबरदस्ती करने लगा। दर्जी के इस हरकत का जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने कैंची दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। सुनिए इस विषय पर सहरसा पुलिस कप्तान हिमांशु क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों सर नया बाजार से एक दर्जी की गिरफ्तारी हुई है, उसे जेल भी भेजा गया है, कुछ मामला था ये? देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक दर्जी है मोहम्मद एजाज अहमद, जो कि नया बाजार में स्थित एक बुटीक चलाते हैं, फेमस बुटीक नाम है उनके, तो वहाँ पे एक युवती है, उसके साथ छेड़खानी का इन पे आरोप लगा था। जैसे यह आरोप थाने के संज्ञान में आया, तुरंत ही कार्रवाई की गई एवं इन्हें एक केस रजिस्टर किया गया 700-772-24 और इनको अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक जो FIR दर्ज किया गया वो 74-76 एवं 8-12 BNS पॉक्सो में दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर मामला है। इसमें आगे की विधिवत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।